वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो अब हम लोग करने वाले हैं, मैथ का कंप्लीट हो गया है सॉल्यूशन आंसर की, अब साइंस का आंसर की करेंगे, ठीक है। तो जो मैथ का इंग्लिश हिंदी संस्कृत का नहीं देखे वो जाकर के देख लीजिएगा, या फिर आपको इंड स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो जाएगा, नहीं तो फिर प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें देख लीजिएगा। और चैनल में जो नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अब इसी चैनल पर आपको 9th क्लास का वीडियो मिल जाएगा और आगे जो भी पढ़ना है उसका 9th क्लास का स्पेशल वीडियो भी आप लोग को इंपॉर्टेंट वीडियो भी मिलेगा। चैनल को जब सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को मिला ले, देख ले कि उन लोगों का कितना सही आया है। चलिए लोग फटाफट मिलाते हैं। तो फर्स्ट 51 नंबर था, गेहूं की रस्ट के किसके कारण होता है, तो ये कवक के कारण होता है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 52 नंबर है, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, तो सूक्ष्मजीव उनमें से सभी हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणु एवं कवक के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो 53 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैव निम्नीकरणीय। उसके बाद 54 नंबर में है कि सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में, ये सेकंड ऑप्शन सही है। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इस पदार्थ के दहन का सहायक होता है, तो ऑक्सीजन, ठीक है, किसी पदार्थ के दहन का सहायक ऑक्सीजन होता है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। उसके बाद 56 नंबर, बर्फ़ चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण कम होता है, तो 56 का सेकंड ऑप्शन सही है। उसके बाद 57 नंबर में देखिए पूछा गया है किसी वस्तु की मध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं, तो इसे कंपन कहते हैं, तो 57 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 58 नंबर में देखिए किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, तो वर्ण विक्षेपण, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र पढ़ने सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर, यानी थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर पूछा गया है कि किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, तो देखिए इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है कि कोक किसका शुद्ध रूप है, तो कोक जो है वो कार्बन का शुद्ध रूप है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 62 नंबर में पूछा गया है कि मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है तो कौन होता है, तो वृक्ष सहायक होता है, तो 62 का 2 नंबर सही है। उसके बाद 63 नंबर में पूछा गया है कि कागज़ का कितना बार पुनः चक्रण संभव है, तो कागज़ का जो है 5 से 7 बार पुनः चक्रण संभव है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 64 का है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो 78 होता है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 65 नंबर में है किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो CFC, सेकंड ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद 66 नंबर में है जरायुज जंतु कौन से हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब अपने जैसे जन्म देते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, तो 67 नंबर का आपका हो जाएगा फोर्थ, इनमें से सभी, कोकून, प्यूपा, वयस्क सब, ठीक है। उसका 68 नंबर में है कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 2 टर्मिनल होते हैं, तो 68 का सेकंड सही है। उसके बाद 69 नंबर में पूछा गया है कि कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है, तो 69 का आपका सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन LED। और फिर 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर में पूछा गया है कि विद्युत धारा कौन सा प्रवाह उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय प्रवाह, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 71 में देखिए है कि निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन है, तो नाइलन है ना, 71 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 72 का देखिए, 72 में पूछा गया है कि प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन सही, मेलामाइन। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलिस्टर का सामान्य किस्म है, तो 73 का आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन टेरिलीन, ठीक है। उसके बाद 74 नंबर देखिए, 74 नंबर है परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो 74 का आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परिवर्तित किरण और विलंब के बीच के कोण को कहते हैं। उसके बाद 75 चमकीला पिंड कौन सा है, तो चमकीला पिंड आपका तारा है, ठीक है, चंद्रमा चमकीला पिंड नहीं होता है, तारा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 76 नंबर है कि मानव कान का श्राव्यता प्रास कितना है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। उसका 77 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है, तो किस में, डेसिबल में, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। फिर 78 नंबर में देखिए दिया गया कि प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है, तो ये 78 में आपका इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में राष्ट्र उद्यान की कुल संख्या है, तो इसमें राष्ट्र उद्यान की कुल संख्या 79 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, 55। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि काला सोना कहा जाता है, काला सोना किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम को, थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। 81 नंबर में है कि चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं, तो किस चीज़ का बना हुआ रहता है वो रस्सी, वो रहता है नायलन का, तो थर्ड ऑप्शन सही है।
उसके बाद 82 का देखिए एक ईंधन नहीं है तो मृदा फर्स्ट ऑप्शन सही है। 83 नंबर देखिए कि निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है तो नींबू का रस होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके बाद 84 एक सेकेंड विद्युत का सुचालक है तो नींबू का रस, ठीक है। 84 कौन सी गैस अत्यंत विषैली है तो 84 नंबर का आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। 85 नंबर में है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है तो सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा होता है तो माइक्रोप्लाज्मा आपका 85 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके बाद 86 का ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है तो अल्कोहल, ये सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। उसके बाद 87 में है मलेरिया रोग तो मलेरिया रोग का कारण क्या होता है तो प्रोटोजुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 88 में देखिए 88 में पूछा गया था कि टेस्टोस्टेरोन है तो टेस्टोस्टेरोन क्या है तो पुरुष हार्मोन है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आपका बल का डैश तो बल का क्या होता है तो 89 नंबर में सेकंड हो जाएगा परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, सेकंड आपका सही है। उसके बाद 91 नंबर विद्युत का सुचालक अधातु का नाम बताएं तो विद्युत का सुचालक अधातु आपका ग्रेफाइट है तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। 92 नंबर है वायु किसका मिश्रण है तो वायु गैसों का मिश्रण है तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 93 नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है तो आपका ये किया जाता है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल बुहार में, इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा, फोर्थ आपका सही है। 94 नंबर में पूछा गया भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है तो पाचन, एक सेकंड श्वसन में हो जाएगा, ठीक है श्वसन में, तो सेकंड ऑप्शन सही है। उसके बाद 95 नंबर है कि तैलीय सतह से क्या होता है घर्षण बिल्कुल नहीं होता है तो 95 का बिल्कुल नहीं होता, नहीं घर्षण घटता है तो सेकंड ऑप्शन सही होगा आपका, घर्षण घटता है तैलीय सतह से। उसके बाद 96 नंबर हो जाएगा कि आवृत्ति का मात्रक, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है तो 96 का थर्ड ऑप्शन सही होगा हर्ट्ज। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन देखिए 97 नंबर में बोला गया पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं तो भूकंप कहते हैं, ठीक है तड़ित का मतलब होता है बिजली कड़कना। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है कि समाप्त होने वाला प्राकृतिक गैस, कौन सा प्राकृतिक गैस जो समाप्त होने वाला है, प्राकृतिक गैस नहीं संसाधन, प्राकृतिक संसाधन तो खनिज जो है आपका समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है तो पत्तियों में, ये सबसे सही है थर्ड सेकंड ऑप्शन। उसके बाद आज का लास्ट 100 क्वेश्चन सर्वप्रथम चेचक के टीके का खोज किसने किया तो इसका खोज किए एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन जो है आपका साइंस का कंप्लीट हो गया है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मतलब 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है तो आप कमेंट करके बताइए कि 50 में से आप लोगों का कितना आया है, और वीडियो को शेयर करना ना भूले, एकदम फटाक से शेयर कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अब इसके बाद हम लोग सोशल साइंस का वीडियो करने वाले हैं तो जल्दी जल्दी मिला लीजिए आप लोग। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।